हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ये है धुआंदार शिमला कीमा या स्मोकी शिमला कीमा। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत कम स्पाइसेस के साथ झटपट रेडी हो जाएगी। देख लेते हैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं 1/2 kg कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने इसके सीड्स अलग करके इसे चॉप कर लिया है स्मॉल पीसेस में। मेरे पास 1/2 kg मिंस है, ये बीफ का मिंस है, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसे। मेरे पास 4 मीडियम साइज अनियन है जिसे मैंने स्लाइस में करके रखा है। 1 बॉल मेरे पास ऑयल है। 2 मेरे पास टमाटोज है जिसे मैंने स्लाइस में करके रखा है। 1.5 स्पून मेरे पास नमक है। 1.5 स्पून सुरख मिर्च पाउडर है। 4 से 5 ग्रीन चिली है मैंने स्लाइस में करके रखी है। 1.5 स्पून धनिया पाउडर है। 3 pinches मेरे पास टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर है। एंड 1.5 स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। स्टफ पे देगची रखी थी गर्म होने के लिए। अच्छे से गर्म होने के बाद देगची को हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना है और ऑयल को 2 से 3 मिनट देने हैं गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे और कैप्सिकम को हमने 5 से 7 मिनट्स अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी सारी कच्चापन जैसी ग्रीस जो है वो ख़त्म हो जाए। विद इन 5 से 7 मिनट्स हमारे जो शिमला मिर्च हैं, कैप्सिकम है, वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल के सेपरेट 8 प्लेट में कर लूँगी। सारे के सारे शिमला मिर्च जो है, हमने फ्राइड शिमला मिर्च निकाल के प्लेट में सेपरेट कर ली है। अब हमने इसी ऑयल में अनियन डालना है और इसे भी हमने अच्छे से फ्राई करना है टिल देन कि ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। अनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया, इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लाइट लाइट का गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है और इसको भी हल्का हल्का सा हम भून लेंगे ताकि सारा इसका कच्चापन, सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें मिंस ऐड करना है और मिंस को हमने स्पेशली अच्छा सा भूनना है क्योंकि जो भी मीट आइटम हमने यूज़ करनी होती है उसको हमने कुक करने से पहले अच्छा सा फ्राई करना होता है ताकि उसकी हीट, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मिंस को अच्छे से, कीमे को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और टमाटर इस टाइम पे ऐड कर देने हैं और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। मसालों को अच्छे से मिंस के साथ मिक्स करने के बाद ज़बरदस्ती एक खुशबू सी उठी है। इसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है और इसको देना है 15 से 20 मिनट्स का टाइम ताकि जो हमारा मिंस है, कीमा है, वो ऑल डन हो जाए, ऑल कुक हो जाए। बड़ी सिंपल सी, आसान सी रेसिपी है लेकिन लास्ट में जो हम इस पर क्लिक करेंगे वो इस डिश को बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लजीज बना देगी। तो मैंने मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट्स का टाइम देना है मिंस को रेडी करने के लिए। 20 मिनट्स में कीमा जो है वो अच्छे से गल गया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि अच्छा से ज़बरदस्त ये भून चुका है। हमारे पास जो हमने फ्राई करके शिमला मिर्च रखी थी हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। जब तक हमने पानी ड्राई नहीं करना तब तक हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं करनी होती। पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, मसाला भून जाए, तब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। इसलिए हमने पहले पानी अच्छे से ड्राई किया है, उसके बाद हमने हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी थी और गरम मसाला पाउडर 1/2 स्पून वो भी हमने इसमें डाल देना है। इसको मैंने लाइट फ्लेम में 5 मिनट का दम देना है क्योंकि शिमला मिर्च जो है हमारी अच्छे से फ्राई है तो इसमें अच्छे से ग्रीन चिली का, गरम मसाले का की खुशबू आ जाए, एक उसका अरोमा हो जाए। उसके बाद हम अपना ज़बरदस्त सा एक जादुई सा एक मैजिकल ट्रिक करेंगे और तैयार करेंगे अपना धुएँदार या स्मोकी शिमला मिर्च और कीमा।
फाइव मिनट्स गुजरने के बाद हमारा जो शिमला कीमा है ऑल रेडी है। दूसरे स्टफ पे मैंने रखा था कोयले का या चारकोल का एक स्मॉल सा पीस, इसको मैंने कटन ऑफ, ये अच्छे से दहक चुका है। सबसे पहले हमने इसमें एक छोटी सी आप कोली रख लें, कोई रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा रख लें, एहतियात से चारकोल हमने इसमें रखना है। ज़बरदस्त सा बह बहका हुआ ये चारकोल है, ज़बरदस्ती एक हमने दो स्पून इसमें ऑयल के डाले और कर दिया इसे क्लोज। हमारा विद इन फाइव मिनट ज़बरदस्त सा धुएँदार यह स्मोकी शिमला मिर्च और कीमा बिल्कुल रेडी होगा। मैं करने लगी स्टॉप ऑफ और आफ्टर फाइव मिनट्स जब ये स्मोक अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, उसमें रच बच जाएगा शिमला कीमा, तो मैं इसे करूँगी डिश आउट। जी फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त सा स्मोकी शिमला कीमा या धुआंदार शिमला कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है और मैंने इसे कर दिया है डिश आउट। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और एक स्मॉल से ट्रिक इसको बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत स्पेशल डिश बना देती है। तो ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करें ताकि मैं इंकरेज होती रहूं और इसी तरह से आपके लिए अच्छी और हेल्दी रेसिपीज लेके आती रहूं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इसको सर्व कर रही हूं सिंपल रोटी और सिंपल सैलड के साथ, आप इसे नान और खमीरी रोटी के साथ, राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ मैं अपनी डेली की रूटीन हो या दांतों के लिए तमाम हो उसको और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा आसान। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।